हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वेल स्ट्रिंग की शटरिंग होती है, शटरिंग कैलकुलेशन को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और जानेंगे कुछ वेल स्ट्रिंग के बारे में। सो अगर आपने चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, अभी जो सामने आप इमेज देख रहे हो ये मेरी ब्रिज की वेल फाउंडेशन की AL की इमेज है। उसके बाद से P1 है, P2 है, फिर AR है, मतलब 3 स्पैन के ब्रिज है। 30.63 सेंटर टू सेंटर की स्लैब की डिस्टेंस लेंथ है। ओके, तो ये जो आप सामने देख रहे हो इसमें देख रहे हो इनर साइड हमारी MS प्लेट लगी हुई है, 8 mm थिक MS प्लेट लगी हुई है। और जो हम बाहर साइड लगाते हैं वो हमारी जो शटरिंग प्लेट है वो है। तो बाहर जो हमने शटरिंग प्लेट लगाया उसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, शटरिंग क्वान्टिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, ये हमारे जो वेल कर्व के ऊपर जो 2 मीटर है वो है, उसके बाद से फिर 1 मीटर होगी, उसके बाद से नॉर्मल हमारी शटरिंग रहेगी, वो बोथ साइड लगेगी। अभी क्या है, वेल कर्व के ऊपर 3 मीटर तक सिर्फ आउटर साइड में शटरिंग प्लेट लगेगी और इनर साइड में हमारी 8 mm और ऊपर 8 mm थिक MS प्लेट लगेगी। तो ये हमारी जो 2 मीटर है उसकी इमेज है, ये तो इसकी जो कास्टिंग हो रही है वो, और ये जो हमारी 1 मीटर है उसकी है। अंदर साइड देखोगे आप 1 मीटर ही हमारी प्लेट लगी हुई है 8 mm थी का, बाहर साइड हमारे पास 2 मीटर हाइट का ही प्लेट है। वेल की जो प्लेट होती है वो देखोगे आप यहाँ टॉप पर देखोगे ना तो हल्की सी राउंड रहती है, तो 2 मीटर हाइट की हमारी प्लेट बनाई हुई है। तो हमने वही प्लेट लगा दिया और अंदर साइड 1 मीटर है, फिर इसको हमें कास्टिंग करनी है। इसमें भी हमारी इनर साइड में अगर आप देखोगे इमेज को तो इसमें क्लैडिंग हमारी लगी हुई है जो हमारी वेलकर में लगी थी 50 by 6 mm की जो हमारी क्लैडिंग है वो इसमें भी लगी हुई है 500 mm लेंथ की। ओके, तो अभी हम लोग अभी ड्राइंग इसके देख लेंगे। ये जो ड्राइंग क्या है यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो हमारी इनर टू इनर जो डायमीटर है हमारी वो है 6.5 और आउटर टू आउटर है 7.5, यानी कि जो 1 मीटर की हमारी स्ट्रिंग की थिकनेस है ये हमारी एबटमेंट की है। लेकिन पियर में पियर की जो हमारी लेंथ है वो है हमारी 4.5 है इनर टू इनर एंड 6.5 है आउटर टू आउटर, और सिमिलरली 1 मीटर हमारी उसकी थिकनेस है। ओके, तो ये ड्राइंग की डिटेल्स हो गई। अभी हम लोग चलते हैं नोटबुक पर और देखते हैं कि इसकी शटरिंग क्वांटिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नोटबुक है। हम लोग नोटबुक आ गए हैं और हम लोग किसी एक का शटरिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हम लोग एबटमेंट का ही ले लेते हैं। ओके, एबटमेंट का ही हमने ले लिया। तो एबटमेंट का हमारा जो ये हमारा एबटमेंट का सपोज कर लो टॉप व्यू है, ठीक है। ये जो हमारी है 1 मीटर है और ये इनर टू इनर है मेरी 6.5 और आउटर टू आउटर है, ये आउटर टू आउटर है मेरी 7.5। ओके, तो इनर साइड तो मेरी वो MS प्लेट लगी हुई है 6 mm 8 mm थिक प्लेट लगी हुई है, तो सिर्फ हमें आउटर के निकालनी है शटरिंग। तो आउटर के निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सी इक्वल टू सरकमफेरेंस निकालेंगे 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू इसके डायमीटर का आउटर को D1 करते हैं तो 7.5 और D2 करते हैं तो इनर की हो जाएगी 6.5, तो 2 इंटू 3.14। और R कितनी, क्योंकि हमें सिर्फ आउटर के निकाल लिए तो R इसकी कितनी हो जाएगी 3.75। ओके, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद से आपको इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करनी। इसको पहले सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो 23.55, ये हमारी सी हो जाएगी। ओके, और क्या है हमें जो उसकी शटरिंग क्या है 8 मीटर स्क्वायर में निकलती है, तो इसके साथ हम अपनी उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारी हाइट कितनी है, सपोज 2 मीटर हाइट की हमने कैलकुलेट किए थे, इंटू 2 करते हैं तो इंटू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 47.1 मीटर स्क्वायर। तो ये शटरिंग क्वांटिटी
हो गई हमारी 2 मीटर हाइट प्लेट के लिए। ओके, अगर सिमिलरली मेरा अगर पियर का होता तो पियर की जो हमारी पियर की वो थी हमारी आउटर टू आउटर थी 6.5 और इनर टू इनर थी हमारी 4.5। तो वैसे ही हम निकाल लेंगे C इक्वल टू 2πr इंटू एच कर देंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर, इसको हाफ करेंगे शायद 3.25 और इंटू हाइट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी उसकी एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होगी। तो सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था और मुझे लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इनर प्लेट है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके भी ऐसे ही हो जाएगी क्वांटिटी कैलकुलेट। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जो इनर की जो सर्कुलर बार्स हैं उसके शेड्यूल को, उसके बार बाइंडिंग को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।